प्रार्थना सभी उनको सुनेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान ऑल इंडिया क्रिकेट संस्थान के राष्ट्रीय चेयरमैन सदा मनिंदर जी की मिट्टा की चोट लगाने के बीच आगे परिवार पिता पुराने बुजुर्ग
जहां कोई बैठे होंगे जिनका शहादत होगा इतिहास है, वो शहादतें ही देते रहेंगे, उनका ये कर्तव्य होता है। बड़ा महत्वपूर्ण कौन है सत्तर हजार कीमत लगा दी सरकारों ने। मैंने बड़ा बड़ा कार्यक्रम रखा कारगिल के शहीद के उन बहादुर पूर्व वीरों के नाम के ऊपर और उनके परिवार के लोगों को बुलाया। जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंगे हीरो वो बुलाए, किसी मंत्री को मैंने नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, और जितना अपने से हो सकता था दोस्तों के साथ मिलकर के 3 लाख 3.5 लाख हर परिवार को हम देने की कोशिश किया। हमने पैसे नहीं दिए परिवार को, हमने लाशों की कीमत नहीं लगाई, हमने हिंदुस्तान की सरकारें, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, हिंदुस्तान की वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जगाया। ये कैंडल जलाने से कुछ होने वाला नहीं है, हिम्मत है कि वंदे मातरम भारत माता की जय नारे लगाने की बात नहीं है। नारा वंदे मातरम भारत माता की जय हर कोई लगा सकता है, पर वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा लगाते हुए जो हमारे जवान सरहदों की रक्षा के लिए कड़क गर्मी के अंदर जब बंदूक चलानी मुश्किल होती है, दिसंबर के महीने के अंदर जब बर्फों के अंदर मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा करनी मुश्किल होती है, जब खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जब हेलीकॉप्टर से नीचे आलू फेंके जाते हैं, नीचे पत्थर बन जाते हैं और उनको काटने के लिए दो दो तीन तीन घंटे लगते हैं, वो जवान उन जवानों का अपमान हम होने नहीं देंगे। सरकारों को दिखाया बना तो था हिंदुस्तान की सरकार ने बिल्डिंग की, उस वक्त उन शहीद परिवार के लिए पेट्रोल पंप और 25-25 हजार उस वक्त बहुत होते थे कल्याण किया। हमारा संघर्ष हमारा वो शहादतों का जो अपमान हो रहा था वो भगवान की कृपा से पूरा हुआ। हमने तुरंत वो कारगिल के पेशाब से फिर कार्यक्रम करने का विज्ञान भवन में फैसला किया। उस वक्त हमने 5-5 लाख रुपया देने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन आए, उपराष्ट्रपति आए, राजनीतिक व्यक्ति नहीं आया, सरकारें जागी रातों रात, उन्होंने 35-35 लाख और पेट्रोल पंप देने का फैसला किया। ये हमने संघर्ष किया, हमने राजनीति नहीं की। आज हिंदुस्तान की सरकार कहां